तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस मुख्यालय में बैठक के बाद तमाम मुद्दों पर बातचीत की, चाहे बात कर ली जाए उपचुनाव में जीत की या फिर गुजरात में हार की। सीएम ने खुलकर यहां जवाब दिया। इसके साथ ही गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा और शराब को लेकर बनाए गए नियमों पर भी अपनी बात रखी। अब 9 बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, उसमें 7 चुनाव कांग्रेस जीते, 8-7 था, और बीजेपी ने एक जगह तो थर्ड पे रही थी वो, और एक जगह जमान जब्त हुई थी। तो इसलिए राजस्थान में माहौल हमारे विपक्षी साथी जो हैं वो पूरा प्रयास करते बिगाड़ने का, अफवाह फैलाने का, झूठे आरोप लगाने का। जनता ने सदा सर की जनता ने जवाब दे दिया करा रहा। अब गुजरात में कोई चुनाव कोई उनकी जीत मानी जाएगी क्या, जब प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री सारा देश का शासन छोड़ करके वहाँ बैठे हुए हैं? जब से यूपी चुनाव जीते तब से मोदी जी हम लगातार वहीं आते गए हैं, गृह मंत्री ने वही कैम कर रखा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो हालात थे, जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे थे, तो लग रहा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है। और जनता में अगर रिएक्शन हुआ, अंडरकरंट हुआ, क्योंकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चुनाव वाली वो जीत गए हों, परंतु जितनी एंटी इनकमेंट की बात थी, सरकार विरोधी लहर थी, वैसी लहर मैंने कहीं नहीं देखी। राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा की राजनीति हो, हिंसा नहीं हो, और साथ में महंगाई और बेरोजगारी की बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, उस पर ध्यान जाए केंद्र सरकार, यही तुम कह रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो समय बताएगा। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव तो हमने बहुत जीते हैं आज़ादी के बाद में। एक जो इम्पोर्टेंट निर्णय हमने किया है कि जो आपको याद होगा, पहले मैंने एक बार निर्णय किया था 8 बजे के बाद में शराबी दुकान भी खुली रहनी चाहिए। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था पूरे प्रदेश के अंदर, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में बहुत बड़ा वेलकम भी हुआ था उस वक्त। धीरे धीरे डायल्यूट हो गया वो, जो हम महसूस करते हैं। आज हमने निर्णय किया कि वापस जो है, जो 8 बजे के बाद शराब अगर बिकती मिलेगी, उस जो एरिया के थानेदार हैं, थानेदार CO की जिम्मेवारी होगी जिसका एरिया है पूरा, और जिम्मेवारी SP की होगी कि जिले में 8 बजे के शराब बाद में बिके नहीं।